पतर को होलिया में उड़े गुलाल त चोली भीजे द लहंगा भीजे द चोली भीजे द लहंगा भीजे द चुनरी लाल भीजे द चुनरी लाल पतर को होलिया में उड़े गुलाल। सर वाला भैया हो होली के खूबसूरत मौके पर हमारे को बहुत खूबसूरत सिनेमा वाला बात जो सिनेमा के नाम है मोहब्बत। और जैसा कि फिल्म के नाम से आप सबके एक अनुभव हो रहा है कि फिल्म के जब नाम है मोहब्बत तो फिल्म में कितना मोहब्बत हुई। बहुत ही कमाल के बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी वाला सिनेमा बनल बा। और जबकि जब मोहब्बत की बात आयल बा तो मोहब्बत के बीच में दरार दुश्मनी रुकावट बाधा सब तैबे करी तो सब बाधा के सब दुश्मनी के सब टकराव के पार करते हुए अपना मोहब्बत के हम कैसे हासिल करता नहीं हुई सिनेमा में बा। और साथ ही साथ इस फिल्म में बहुत ही नयापन आप सबको देखने को मिलेगा। बहुत ही कमाल का फिल्म बना है। हमारे इस फिल्म के जो निर्मात्री है माया यादव जी उन्होंने बहुत ही कमाल का फिल्म निर्माण किया है। साथ ही साथ इस फिल्म को सजाया हमारे फिल्म के निर्देशक प्रेमांशु सिंह ने जिन्होंने हमेशा बहुत ही खूबसूरत फिल्में बनाई है और ये उनकी खूबसूरत फिल्मों में से उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म है। और मैं चाहूँगा कि हमारी जितने भी भोजपुरिया दर्शक हैं जो हमारे भोजपुरिया समाज है वो अपने पूरे माताओं बहनों के साथ पूरे दोस्त यार के साथ इस फिल्म को आके अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जरूर देखें। और इस फिल्म का जहाँ तक कि गानों की बात करें काफ़ी कर्णप्रिय गाने हैं काफ़ी खूबसूरत गाने हैं सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं और हर वर्ग के हर उम्र के लोगों के लिए इस फिल्म के गाने बने हुए हैं सभी को काफ़ी पसंद आएंगे काफ़ी कर्णप्रिय गाने हैं। और मेरा दावा है कि आप जो भी गाने एक बार सुनेंगे बार बार ज़रूर सुनेंगे। जब मोहब्बत की बात आती है तो मोहब्बत में कई सारे बाधाएं आते हैं कई सारे रुकावटें आती हैं और उन सारी रुकावटों को पार करते करते जो अपनी मोहब्बत को पाले उसी को सच्चा आशिक कहा जाता है। वही आशिकी वही मोहब्बत इस फिल्म में दर्शाया गया है। आपका जैसे कंपटीशन मोहब्बत में होता है फिल्म का नाम भी मोहब्बत है जी होली पे भी मोहब्बत का बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है। हाँ कई फिल्में रिलीज हो रही है जी आप अपने आप को वहाँ किस लाइन में खड़े पाते हैं? बिल्कुल नहीं मैं दरअसल जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है मेरा पूरा भरोसा मेरी पूरी उम्मीद मेरे भगवान दर्शक होते हैं और मुझे पूरा उम्मीद होता है कि जब भी मेरी फिल्म उनके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगते हैं मेरा पूरा भोजपुरिया जनता पूरा भगवान पूरा समाज चूंकि मैं अपने पूरे भोजपुरिया समाज को अपने भगवान स्वरूप समझता हूँ तो भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को कभी भी अपने बच्चे को कभी भी ठुकराया नहीं है कभी उनके उम्मीदों से कभी उनको नकारा नहीं है। तो ये मेरा हमेशा से ये दिल से मेरा तहे दिल से उम्मीद रहता है कि मेरे जो दर्शक हैं मेरे जो भगवान हैं वो मेरा साथ जरूर देंगे और जब भी उनके नज़दीकी सिनेमाघरों में उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म लगेगी वो जाकर जरूर देखेंगे। ये सारे मेरे हमेशा से मेरे लिए एक बहुत ही सीनियर रहे हैं उन सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है खिसारी को मैंने बहुत कुछ सिखाया है तो ये मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे एक हमारे एक सराउंडिंग के लोग हैं हमने बहुत कुछ सीखा है एक दूसरे से और काफ़ी प्रेम भाव है हम लोगों में कभी ऐसा कुछ नहीं होता है। फिल्में अपनी जगह है फिल्में को एक रिलीज का अपना टाइम चाहिए होता है तो ये एक वो टाइम है रिलीजिंग का और हर फिल्म में सभी लोग चूँकि होली का खुशनुमा मौका है खूबसूरत त्यौहार है और चूँकि होली का इतना खूबसूरत त्यौहार है और उस रंगीन त्यौहार में होली मनाया जाता है किसी बिना भेदभाव के बिना दुश्मनी के सारे रंजिशों को दूर करते हुए होली का त्यौहार मनाया जाता है तो उसी त्यौहार को चारों होली एक साथ त्यौहार मना रहे हैं चारों हीरोज हमारे जो हम हीरो नहीं हम भाई कह लेंगे हमारे सारे भैया जो भी हैं भोजपुरी के सारे एक साथ हम होली मनाते हैं और उन्हीं एक साथ एकता के साथ हम फिल्म भी लेकर आ रहे हैं। अभी हमारे दर्शकों पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी फिल्म अच्छी लगती है लेकिन मैं जहाँ तक की बात बोलना चाहूँगा कि मोहब्बत काफ़ी बेहतरीन काफ़ी खूबसूरत सिनेमा है तो जब भी आपके नज़दीकी सिनेमाघर में ये फिल्म लगे अपने पूरे परिवार के साथ पूरे दोस्त यार के साथ जाकर उस फिल्म को ज़रूर देखें जी। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस फिल्म के गाने काफ़ी कर्णप्रिय है हर वर्ग के हर लोगों के लिए इस फिल्म में गाने हैं और मेरा यह दावा है कि जब भी ये फिल्म लगेगी हमारे दर्शक इस फिल्म को अपने पूरे परिवार के साथ बार बार ज़रूर देखेंगे जी। फिल्म में काफ़ी ज़्यादा होली मनाई है और होली जो त्यौहार जब शुरुआत हुई जब होलिका को जलाया गया होलिका का दहन हुआ उसके साथ एक नई खुशियों के साथ एक नया त्यौहार मनाया गया था वही हमने फिल्म में दर्शाया है कि एक कैसे बुराई का अंत होता है और अच्छाई की जीत होती है और एक अच्छाई के साथ एक खुशियों को समेटते हुए एक सिनेमा की निर्माण हुई है और वही निर्माण है उस फिल्म का नाम है मोहब्बत। और मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम दर्शक अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमेशा से जो अपने चिंटू को देते आए हैं वही प्यार वही आशीर्वाद इस फिल्म को भी दें।
इस फिल्म के निर्मात्री हैं माया यादव जी, जिन्होंने काफी भोजपुरी फिल्मों में, काफी ज्यादा फिल्मों में, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर फिल्में हो गई उनकी, जो उन्होंने भूमिकाएं निभाई हैं, अलग अलग माँ का भूमिका निभाई, अलग अलग किरदार निभाए हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम रखा है एक निर्माण में, और उन्होंने काफी खूबसूरत, काफी बेहतरीन, काफी बड़ी फिल्म का निर्माण किया है। और इस फिल्म को, चूंकि मैंने पहले भी जैसा कहा है कि इस फिल्म को सजाया है, हर कड़ी को जोड़ते हुए, इमोशन को, सेंटीमेंट्स को, एक्शन को, रोमांस को, लव स्टोरी को, हमारे माँ के इमोशंस को, सारे जितने भी इमोशन सिनेमा के जितने भी पहलू है, उन सभी को, कड़ी को जोड़ते हुए हमारे निर्देशक प्रेमांशु सिंह ने अपनी पूरी पूरी मेहनत की है इस फिल्म में और इस फिल्म को जोड़ने में। तो मेरा ये उम्मीद है कि उनकी मेहनत और हमारे मोहब्बत से जुड़े जितने भी लोग हैं, जितने भी टीम टेक्नीशियन हैं, जो पर्दे के पीछे जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने में जो खूबसूरत सा सहयोग किया है, उन सभी के सहयोग को आप सबको फल देना है। बहुत ही बढ़िया, इस फिल्म में उन्होंने अपना कदम रखा है, बहुत ही खूबसूरत कदम रखा है। इस फिल्म से हमारे पूरे दर्शकों के दिल में छाने आ रही है बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, जिन अदाकारा का नाम है काजल यादव, और मैं उनमें एक बहुत ही सक्सेस और बहुत ही सफल अदाकारा का मैं एक रूप देखता हूँ उनमें, क्योंकि वो बहुत ही कमाल की परफॉर्मर है, बहुत ही अच्छी उन्होंने एक्टिंग किया है, काफ़ी खूबसूरत परफॉर्म किया है, गाने बहुत ही लाजवाब है, डांस बहुत ही उनका कमाल है जी, काफी कुछ है। मैं उस सारे पहलुओं को मैं अभी नहीं खोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शक अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाके, सिनेमा हॉल में जाके उस सारे पहलुओं को देखें और उन्हें काफी ज्यादा एंजॉय करें।